हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नाइका हॉट पिंक फ्राइडे सेल के रिव्यू। यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करी है, तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, अप्रॉक्स 2200 समथिंग की शॉपिंग करी है। तो मैंने जो भी चीज़ें परचेस करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने कितने डिस्काउंट में परचेस करी है। और यहाँ पे जो मेरी डील रही है वो काफ़ी अच्छी रही है एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं नाइका से डिस्काउंट में चीज़ें परचेस करती हूँ। सो गाइस, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने नाइका हॉट पिंक फ्राइडे सेल से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो सबसे पहले मैंने परचेस किया है ट्रेसेमे सिल्की एंड शाइन शैम्पू। ये 580 ml की बॉटल आती है, इसका प्राइस है 360 rupees, बट इसको मैंने जस्ट 280 rupees में परचेस किया है। यू नो, लास्ट टाइम जो नायका की फ्राइडे सेल थी उसमें भी मैंने इसको इसी प्राइस में परचेस किया था। वो शायद मैंने नवंबर में परचेस किया था, आपने मेरा नवंबर का नायका हॉल देखा होगा तो। और अभी भी उस बॉटल के अंदर थोड़ा सा शैम्पू बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी 6 to 7 months अच्छा सा शैम्पू चल गया। अगेन मैंने यहाँ पे सेम बॉटल परचेस करी है, अब देखते हैं ये भी 6 to 7 months चल जाएगी। तो ये जो बॉटल है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, 6 to 7 months चल जाती है, अफोर्डेबल भी है और इस टाइप की सेल में परचेस करो तो बहुत रिजनेबल प्राइस में पड़ती है। नेक्स्ट मैंने बाय किया है प्लम ग्रीन टी फेस मिस्ट और इसका जो प्राइस है वो 360 rupees है, बट अगेन सेल के अंदर मैंने 270 rupees पे किया है। ये कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए ऐसा इस पर लिखा हुआ है, बट अभी पैक होके आया था तो जस्ट मैंने ट्राई किया था, तो एक अच्छी सी फ्रेश फील आती है फेस पर, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ है। इसमें जो मतलब खुशबू आती है वो बहुत नेचुरल खुशबू आती है, एकदम फ्रेश सा फील होता है। बट सीरियसली मैं आपको बताऊं कि मेरे पर्स में हमेशा एक मतलब रोज़ वाटर की बॉटल रखी होती है, स्प्रे बॉटल, उसको भी मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे उससे भी फ्रेश फील ही होता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप ऐसा मिस्ट परचेस करें, क्योंकि रोज़ वाटर से भी और उसके अंदर लेमन जूस मिक्स करके भी आप इस तरह का फेस मिस्ट जो है घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको इसका चाहिए कि फेस मिस्ट कैसे बनाते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो वो जो है मैं अपनी हमेशा पर्स में कैरी करती हूँ और जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो उसको अपने फेस पर इस तरीके से स्प्रे कर लेती हूँ, तो उससे भी मुझे इसी टाइप का फ्रेश सा फील होता है। तो मुझे ये वर्थ नहीं लगा, बट हाँ, इसको अप्लाई करने से अगर आपको रियली कोई फेस मिस्ट चाहिए तो मैं आपको प्लम का सजेस्ट करती हूँ। अप्लाई करने के बाद एकदम फ्रेश सा फील होता है, नेचुरल फील होता है, सॉफ्ट हमारे चीक बन जाते हैं, हम टच करते तो बहुत अच्छा लगता है। ये इसे मैंने अप्लाई करने के बाद एक दिन में फील किया है, वो मैं बता रही हूँ। पता नहीं इसको 2-3 दिन यूज़ करोगे तो क्या होता है, उसका रिजल्ट मैं आपको यूज़ करने के बाद बताऊँगी। तो ये मैंने नायका से सेल में परचेस किया है। नेक्स्ट मैंने बाय की है 2 nail paint इन द शेड 21 and 02। इनका प्राइस आई गेस 160 rupees समथिंग कुछ है, बट डिस्काउंट के अंदर मैंने 143 ईच नेल पेंट का पे किया है। तो ये कुछ डस्की सा कलर है और ये कुछ मतलब वाटरमेलन कलर जो होता है ना, उस टाइप का कलर है, तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 2 nail paint परचेस करी है ये। नेक्स्ट मैंने बाय किया है गार्नियर का प्योर एक्टिव प्योरीफाई फेस वॉश। एक्चुअली इसका प्राइस जो है वो 55 rupees है, मैंने इसका छोटा वाला पैक बाय किया है, ये जो है 50 ग्राम का है और इसका जस्ट 44 rupees मैंने पे किया है। मुझे नीम का एक और फेस वॉश ट्राई करना था, एक्चुअली मैं बायोटिक का ही यूज़ करती हूँ, बट उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं एमवे का एक्ने रिमूवल फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, वो मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि एक बार गार्नियर का ट्राई करती हूँ, अगर ये पसंद आया तो मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी। तो ये वाला मैंने अभी मंगवाया है, अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये 44 rupees का 50 ग्राम मैंने मंगवाया है। नेक्स्ट मैंने बाय किया है बायोटिक की ये एडवांस एंटी एक्ने फेस पैक। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बायोटिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये मेरी 3rd bottle है, अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं किया क्योंकि उसमें शायद 1 time का और बचा हुआ है, मेरी जो लास्ट बॉटल बची हुई है, तो ये मेरी 3rd bottle है जो मैं यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे एक्ने को रिमूव करने में, मेरे एक्ने को कम करने के लिए। तो ये मैंने परचेस करी और इसका शायद मैंने 110 rupees पे किया है, प्राइस तो इसका शायद 180 rupees समथिंग कुछ है, तो इसका मैंने ओनली 110 rupees पे किया, तो ये भी बहुत अच्छी डील रही है। नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है लॉरियल ट्रू मैच का ये लिक्विड ग्लो इल्यूमिनेटर प्राइम एंड हाईलाइट। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से ऐसा हाइलाइटर चाहिए था जो बहुत ही ग्लोई हो या मेटालिक ग्लो देता हो, जिसको हम फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके भी लगा सके। तो मैंने बहुत टाइम से बहुत सर्च करने के बाद मुझे लॉरियल के बहुत अच्छे रिव्यू लगे, तो ये मैंने परचेस किया है और आई थिंक इसका प्राइस जो है 760 या 650 rupees है, बट आई जस्ट पे 5
110 rupees. सो उसके अंदर मुझे 20 ml प्रोडक्ट मिला है. ये बहुत अच्छा है, मैंने इसके रिव्यू देखे थे, उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया है. अभी मैं इसको अपने किसी मेकअप पे ट्राई करूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखता है. तो मेक श्योर मैं अपने किसी मेकअप के अंदर इसको जरूर ट्राई करूंगी. नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया वो गार्नियर का मैसलर वाटर. एक्चुअली मैं जब भी परचेस करती हूँ इस वाटर को, हमेशा उसकी बड़ी वाली बॉटल जो कि 400 ml आती है, हमेशा वही परचेस करती हूँ. इस टाइम मैंने ये छोटू सा 120 ml का प्रोडक्ट, मतलब 120 ml की बॉटल परचेस करी है. क्यों? क्योंकि जो बड़ी वाली बॉटल है वो 400 ml की मेरी शायद फोर्थ बॉटल चल रही होगी, तो हमेशा मैं उसी को परचेस करती हूँ. बट ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है ना, इतनी बड़ी बॉटल कैरी करना बहुत मुश्किल होता है. तो इस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने इस छोटी सी बॉटल को पिक किया. ये बहुत ही, मतलब आप देख सकते हैं कितनी छोटी साइज है, हम अपने कैरी बैग के अंदर ईजिली रख सकते हैं. तो ये बॉटल जो है मैंने बाय करी, बहुत छोटी सी है और कैरी करने में बहुत ईजी है, इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने परचेस करी. इसका प्राइस जो है आई गेस, हाँ इसका प्राइस जो है वो 225 rupees है. आई जस्ट पे 153 rupees, बहुत ही अफोर्डेबल है. नेक्स्ट मैंने बाय करी है लॉरियल पेरिस की ये हाइड्रा फ्रेश जेनेस क्रीम. एक्चुअली मैंने इस क्रीम के बारे में बहुत सुना था, क्रीम नहीं है, लिक्विड जेल बोल सकते हैं. तो इस जेल के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है फॉर ऑयली स्किन और फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, और जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, जिनके ब्रेकआउट्स होते हैं स्किन के, उनको भी ये रिकवर अच्छे से करता है. तो मैंने ये क्रीम मंगवाई है और आई गेस इसका प्राइस जो है वो है, इसका प्राइस इस पर लिखा तो नहीं है, बट ये 50 ml की जो है 560 और 600 इसका प्राइस है. बट आई जस्ट पे 413 rupees. तो मैं आप लोगों का इस क्रीम के लिए पूरा रिव्यू शेयर करूंगी. इसको ओपन भी नहीं किया और ना ही अप्लाई किया है, मैं इसे एटलीस्ट 15 to 20 days ट्राई करूंगी, देन उसके बाद में आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी कि एक्चुअली ये क्रीम क्या रिजल्ट देती है. क्योंकि अभी मैंने बाय किया है लोगों के रिव्यू पर, बट या जब तक मैं इसके रिजल्ट नहीं देख लेती मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी. तो मैंने इसके रिव्यू से इसे परचेस किया है, मैं देखती हूँ मेरे पर कितनी इफेक्टिव होती है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है. सो गाइज मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यू जरूर शेयर करूंगी. नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये रियल नेचर हनी माइल का ये द फेस शॉप, और इसमें जो है 20 ग्राम एक फेस मास्क आता है. और इसका प्राइस जो मैंने 100 rupees पे किया है, यू नो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे फेस मास्क चाहिए था जो स्किन को हाइड्रेट करता हो, जो स्किन को क्लियर करता हो. तो मैंने इस टाइप के मास्क जो है कभी ट्राई नहीं किए, तो इसलिए मैंने एक हनी का मंगवा के देखा. इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, ग्रीन टी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, 7 to 8, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे को हनी का ट्राई करना था इसलिए मैंने हनी का मंगवाया, और इसका सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये मास्क जो है किस तरीके से मेरे फेस को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है. सो गाइस इतनी सी थी मेरी नायका हॉट पिंक फ्राइडे सेल की शॉपिंग. आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. और गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू गाइस, बाय बाय. और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है. थैंक यू गाइस, बाय.